इसी अवतार के तहत अपराधियों पर अब नजर रखी जा रही है। दरअसल संभल में पुलिस ने ऑपरेशन दस्तक की शुरुआत की। अब आप सोच रहे होंगे कि एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस आखिर अपराधियों के साथ सेल्फी क्यों ले रही। पूरी खबर को समझने के लिए आप ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अब तक आपने योगी की पुलिस का एनकाउंटर अवतार देखा होगा, आपने यूपी के दुर्दांतों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन भी देखा होगा। लेकिन योगी की पुलिस सिर्फ एनकाउंटर के जरिए सबक नहीं सिखाती, सिर्फ बुलडोजर के जरिए एक्शन नहीं लेती है, बल्कि कोई अपराधी वापस जरायम की दुनिया में ना लौटे इस बात की भी तस्दीक करती है। एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि अपराध के हाईवे पर यूटर्न नहीं होता, क्राइम की दुनिया से एग्जिट का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसके लिए नई मुहिम शुरू की है, जिसका नाम है ऑपरेशन दस्तक। इसके तहत यूपी के हिस्ट्री शीटर्स का सत्यापन कराया जा रहा है। तस्वीरें संभल की है, जहां बुलेट पर सवार पुलिसकर्मी किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए नहीं जा रहे, बल्कि ऐसे हिस्ट्री शीटर की निगरानी के लिए निकले हैं जो अपने संगीन जुर्मों की सजा काट चुके हैं। पुलिस की टीम ऐसे बदमाशों के घर जाकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही है। इनमें ऐसे अपराधी हैं जो कभी हत्या, लूट और मर्डर जैसे संगीन अपराध में शामिल थे, मगर अब मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहे हैं। जिन्होंने संगीन अपराध कारित किए हैं उन सबके सत्यापन के लिए दस्तक अभियान चलाया है। इसमें पुलिस उन अपराधियों के सत्यापन के लिए उनके घरों पर जाएगी। अभी तक कुल 868 ऐसे संगीन अपराधी हैं, उनको चिन्हित किया गया है। उनमें से 680 का सत्यापन है, अभी तक ऑलरेडी किया जा चुका है। ऑपरेशन दस्तक के जरिए संभल पुलिस अपराधियों के घर पहुंचती है। घर में मौजूद अपराधियों के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड किया जाता है। जो अपराधी घर पर नहीं होते हैं, पुलिस घर से ही ऐसे अपराधियों को वीडियो कॉल करती है। इस ऑपरेशन का मकसद शहर के सभी हिस्ट्री शीटर्स पर नजर बनाए रखना है, ताकि कोई भी अपराधी फिर से जुर्म की दुनिया में कदम ना रख सके। वेरीफाई करने का जो पुलिस का जो तरीका है वो सेल्फी लेके भी है, वीडियो कॉल करके भी है। तो ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से पुलिस का कार्य भी है वो शुचिता से संपन्न हो, और उसके साथ साथ अपराधी को भी पुलिस की प्रेजेंस है वो फील होगी, तो अपराधी शायद दोबारा अपराध करने से पहले सोचेगा। यानी एक तरफ एनकाउंटर और बुलडोजर के जरिए जीरो टॉलरेंस का मैसेज दिया जा रहा है, तो वहीं ऑपरेशन दस्तक के जरिए संभल पुलिस हार्डकोर क्रिमिनल्स को मेन स्ट्रीम में लाने पर फोकस कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऑपरेशन दस्तक के जरिए हर अपराधी अब पुलिस की रडार पर है। सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया। और योगी की पुलिस की इस मुहिम से न केवल क्राइम कंट्रोल में फायदा मिलेगा, बल्कि अपराधियों को वापस मेन स्ट्रीम में जोड़ने में भी बड़ी कामयाबी मिलेगी। आइए अब आपको दिखाते हैं संभल में ऑपरेशन दस्तक के तहत अब तक हुआ क्या क्या है, इसको भी आपको देखना चाहिए। पूरे संभल में 868 अपराधियों का सत्यापन किया जाना है, और इसमें से 680 अपराधियों का सत्यापन अब तक पुलिस की टीम कर चुकी है। ऑपरेशन दस्तक के दौरान 192 अपराधी अपने घर पर ही मौजूद मिले, और उनके साथ तस्वीर पुलिस ने ली है। इसके अलावा 121 अपराधी ऐसे थे जो संभल की जेलों में बंद हैं। संभल पुलिस की लिस्ट में शामिल 43 अपराधी अभी लापता हैं, और 303 अपराधी जिले से बाहर हैं, जिनके बारे में भी जानकारी पुलिस की टीम ने ली है। अब आप जरा यह भी समझिए कि आखिर संभल पुलिस का ऑपरेशन दस्तक बड़ी खबर क्यों। तीन पॉइंट में आपको बता दूं। पहला, इससे एक तो फायदा यह मिलेगा कि हिस्ट्री शीटर पर निगरानी में मदद मिलेगी पुलिस को, दूसरा क्राइम कंट्रोल के लिए यह प्रभावी कदम साबित हो रहा है, और तीसरा पॉइंट यह है कि पूर्व अपराधी मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे, वापस जरायम की दुनिया में नहीं जाएंगे, वापस क्राइम नहीं करेंगे, पुलिस ऐसा सोच रही है, और इसीलिए यह बड़ी खबर है। योगी की पुलिस सेल्फी ले रही है, योगी की पुलिस फोटो खींच रही है, योगी की पुलिस वीडियो कॉल कर रही है, और उन हिस्ट्री शीटर्स अपराधियों को यह वीडियो कॉल की जा रही है जो अपने घर पर नहीं मिलते हैं, यानी उन्हें पता चले कि पुलिस उनके आसपास है और पुलिस उनसे संवाद स्थापित रखना चाहती है। Z News.